नाउ गिव अ न्यू हेडिंग, क्या देंगे? SN2 मैकेनिज्म। SN2 की बात करेंगे आज पहले, ठीक है, और उसके बाद SN1 की करेंगे। ऑलराइट, देखिए बेटा, SN2 का मतलब क्या है? व्हाट इज SN2? काफी कुछ बता चुका हूं पहले भी, तो जल्दी जल्दी बोल दो, व्हाट इज SN2? ब्लैंक, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये होती थी आपकी SN2 मैकेनिज्म। एक एग्जांपल लेते हैं और बात को समझते हैं। जैसे कि बेटा आ गया अब CH3Cl प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाए हैं यहां पर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लेटर से OH नेगेटिव, आप OH नेगेटिव लिख सकते हो, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, एक ही बात है। क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा? CH3NU मतलब OH प्लस Cl नेगेटिव। चार चीजें हुई यहां पर, चार बातें हैं। वन इज द सबस्ट्रेट, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो इसको केमिस्ट्री, अब क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कोई रिएजेंट है, इस न्यूक्लियोफाइल, ये क्या बना बेटा, देयर इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर लिविंग ग्रुप, ये छोड़ने वाला प्राणी है, ठीक है। तो यहाँ लिविंग ग्रुप बहुत मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब देखो होता क्या है, इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें हम लोग, हाउ इट इज फॉर्म, दिस इज अ 1 डिग्री हैलाइड, यहाँ पे 1 डिग्री हैलाइड है, आपको दिख रहा है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन इसके यहाँ पे होगा, एक डार्क लाइन में है और एक Cl है, इसे संभाल लें हम लोग, ठीक है। लेट अस से ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, टेल मी फ्रॉम वेयर द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। अब SN2 की जहाँ बात आती थी, हम हमेशा क्या कहते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस अलाउ करेगा यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल जो भैया है यहाँ पर वो बैक साइड से अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक होता है यहाँ पर। इट्स अ वन स्टेप मैकेनिज्म, सारी बातें लिखवाऊंगा पहले समझ लो इसको, यहाँ से अटैक करेगा, डू किस लिए, टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है। इस साइड तो बल्कि ग्रुप अटैच है, तो इसी साइड से अटैक होगा, और जब ऐसा होगा तो ये इसका स्लो स्टेप कहलाएगा, जिसको हम RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगा। जिस ट्रांजिशन स्टेप में क्या दिखाई देगा आपको, पेंटावेलेंट कार्बन दिखाई देगा, ठीक है। कैसे बनाएं इसको, ये हाइड्रोजन है, हाँ जी, थ्री डायमेंशन स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ रहे हैं हम लोग, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए हम किस तरह से बात करेंगे इसको, ये Cl जाता हुआ दिखाई देगा और ये न्यूक्लियोफाइल आता हुआ दिखाई देगा, यही होना चाहिए ना। तो देखो बेटा किस तरह से ड्रॉ करना है इसको, यहाँ तो हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया इसका डार्क लाइन, डैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो हो गया ट्राइंगल प्लानर के तौर पर। अब जो Cl है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह का इसका एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगा, ट्रांजिशन स्टेप बनेगा। ट्रांजिशन स्टेप जो होते हैं दे आर जनरली हाइब्रिडेशन, कौन सी है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन हियर, ट्रांजिशन स्टेप आर हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द, हम बोल सकते हैं कि हायर एनर्जी लेवल, उनकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी के होंगे, इसीलिए हाईली अनस्टेबल होंगे। हाइब्रिडेशन इसकी होगी, देखो 5 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो इट इज sp3d, ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है। अब क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में अपना लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और आने वाला ग्रुप आ जाएगा। तो कैसे बनाएं इसको, हाइड्रोजन यहां पर
अब देखो पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्टेड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने ऐसे अटैक किया तो ये पूरा इन्वर्ट कर जाएगा। इन्वर्ट कैसे करेगा, आपका जो हाइड्रोजन है अब इधर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और न्यूक्लियोफाइल था वो इस जगह पे आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरी तरह से इन्वर्टेड हो गई है, जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई है, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। और क्योंकि इसको पहली बार वाल्डन ने कहा था इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं वाल्डन इन्वर्जन, या आप इसको कह सकते हो फ्लिपिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लिपिंग हुआ, कॉन्फ़िगरेशन फ्लिप्ड कर गई आपकी, कहानी पल्ले पड़ी। रेट की अगर बात करें इस मैकेनिज्म के अंदर तो व्हाट इज द रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियोफाइल और आरएक्स कह दूं, इन बातों पर डिपेंड करने वाला है। अब रेट किस किस बात से फेवर करने वाली है, रेट फेवर किस किस बात से करने वाली है, रेट फेवर्ड बाय, पहली चीज न्यूक्लियोफाइल से करने वाली है, कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स से करने वाली है, तो पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स, इस पर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना आसानी से अटैक करेगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपके पास। और देखते हैं जरा, बताओ बेटा और क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप जो है बेटर लिविंग ग्रुप मिलेगा तो आसानी से निकलेगा भाई, आसानी से छोड़ेगा इसको, अगर ये आसानी से नहीं छोड़ेगा इसको तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा मेरे, तो बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मैं एलजी लिख रहा हूँ लिविंग ग्रुप को, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज अ गुड लिविंग लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, एक बुरा लिविंग ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड करें कि व्हाट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एंड व्हाई। और एक और चीज, क्या SN2 मैकेनिज्म में हर वक्त कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, क्या इट इज एवरी टाइम पॉसिबल दैट वाल्डन इन्वर्जन विल बी देयर, सोचो जरा, नोट डाउन फर्स्ट। नाउ बेटर लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, कि आपको ये देखना है कि वो अच्छा कॉन्जुगेट बेस हो, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो, आर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, अगर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा किसी भी एसिड का तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप मिलेगा। जैसे बी आर नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप देन सी एल नेगेटिव, क्यों, बी आर नेगेटिव का साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज झेल सकता है, होल्ड कर सकता है, सी एल नेगेटिव का साइज छोटा है इसलिए वो झेल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ अगर बात करूँ मैं, बेंजाइल कार्बोनाइन एंड मिथाइल कार्बोनाइन की बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा मिला हमको, बेंजाइल कार्बोनाइन, क्यों, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गई, और हमें पता है रेजोनेंस अगर किसी में आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ा देता हो, और हमें यही चाहिए था स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। बात क्लियर हुई। अब एक सवाल होता है बेटा, विल द कॉन्फिगेशन, विल द कॉन्फिगेशन इन SN2 मैकेनिज्म ऑलवेज चेंज, क्या SN2 मैकेनिज्म में कॉन्फिगेशन हर बार चेंज होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ करो उसको, जैसे कि ऊपर डाल दिया पी एस थ्री एच सी एल और यहां डाल दो आप कोई ड्यूट्रियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या है जरा चेक करना एक बार, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी बेटा टेल मी व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन हियर, एस भैया तो फोर्थ पे आ रहा है साफ दिख रहा है हमें, नंबर वन पे ही आ रहा है, नंबर टू पे ही आ रहा है, नंबर थ्री पे ही आ रहा है, मूवमेंट कैसा हुआ, एस आ रहा है, समझ में आ गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फोर्थ पे डैश लाइन पे, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे होना चाहिए। अब सपोज करो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहा है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, SN2 मैकेनिज्म में जा रहा है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होगी बेटा? जब सॉलिड वेज का आता है, वेज डैश का आता है, तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इट शुड बी ऑन डैश लाइन है, उसके बाद चेक करो 1 2 3 कहाँ जा रहा है, क्लियर है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस पे OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कॉन्फिगरेशन क्या बनने वाली है, सोच के बताओ। फ्लिप करेगा, फ्लिपिंग अकर्स, ये PH3 तो यही रहेगा, फर्स्ट थिंग OH यहां से आ जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, सीधी सी बात। तो OH जो है वो इस साइड आ जाएगा, और जो Cl नेगेटिव है वो बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव अपना क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। और जो ड्यूट्रियम है वो इसी पे रहेगा डार्क लाइन पे, और डैश लाइन पे हमारा एच रहेगा, फ्लिप कर गया, फ्लिपिंग अकर्स, इन्वर्शन अकर्स। कॉन्फिगरेशन क्या बेटा इसकी, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन हियर, टेल मी फास्ट, क्या चेक करो ढंग से, फर्स्ट कौन हुआ, ऑक्सीजन या फास्फोरस? भाई फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, कौन सा पहले कैसा था, इन्वर्जन तो हुआ, लेकिन कॉन्फिगरेशन जरूरी नहीं है कि चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इन्वर्जन अकर, आपका इन्वर्जन हुआ, बट द कॉन्फिगरेशन डू नॉट चेंज। सो कभी भी ये क्राइटेरिया मत बनाना कि इन्वर्ट करने से R का S बन जाएगा, S का R बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यू हैव टू चेक वेदर द कॉन्फिगरेशन इज चेंज और नॉट, सीधा नहीं बता सकते हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एनर्जेटिक्स। एनर्जी डायग्राम की अगर बात करें यहां पर, तो किस तरह से बात होगी, एनर्जेटिक्स ऑफ SN2। बेटा देखिए, अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो इट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्योर, समझ गए ना, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और यहां पे डाल दिया एनर्जी, ठीक है। तो जरा सोच समझ के आंसर देना कि किस तरह से, SN2 मैकेनिज्म इज टोटली सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप होनी है, मतलब यहां से कोई रिएक्टेंट है मेरे पास और वो गया ऊपर, फिर क्या हुआ, नीचे आया जी, और इस तरह से बात हो गई, ये एनर्जेटिक्स मान सकते हैं। मतलब इस जगह पे मेरे पास क्या था, RX था प्लस न्यूक्लियोफाइल आया, यहां पे क्या हुआ, इस जगह पे RNU न्यूक्लियोफाइल हो गया प्लस लिविंग ग्रुप लीव कर गया जी, इस जगह पे मेरे को क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेप। यहां पर ऐसा लगेगा आपको कि RX और NU ये आपका ट्रांजिशन स्टेप होगा, बात क्लियर है, एंड दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा इसकी, दिस एनर्जी इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पूरी की बात करूं तो वी कॉल्ड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, कंप्लीटली वी कॉल्ड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक्स में पढ़ा है सारी बातें आपने, गॉट इट, समझ में आ गया। इस रिएक्शन से क्या बातें समझ में आई आपको, इस ग्राफ के थ्रू क्या बातें क्लियर हुई, जो SN2 मैकेनिज्म है उसका डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, जरा चेक कीजिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, स्टेबल बना रहा है उसको, अगर स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या होगा इसके, इसमें डेल्टा एच इज HP-HR होता है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, स्टेबल है, और
रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो इसका मतलब कैसा जाएगा? नेगेटिव जाने वाला जी। इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा, और जो उसका डेल्टा एच होगा वो हमेशा लेस देन जीरो होगा। इस बात को मार्क इट आउट, राइट। नाउ फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म, क्या क्या फीचर्स है वो नोट डाउन करते हैं बी क्विक। नाउ बेटा फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। पहला, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पर किसी रिएक्शन में SN1 SN2 दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे 2 डिग्री हैलाइड्स, वहां पे SN1 SN2 दोनों होने की पॉसिबिलिटी होती है जी, आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली रियलिटी में कौन सा जल्दी होगा, कौन सा होने की प्रेफरेंस शो करेगा? क्यों? सिंगल स्टेप है, ठीक है। जैसे रिएक्शन हम बात करते हैं, हम वही काम करते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाए, तो अगर किसी केस में दोनों होने की पॉसिबिलिटी होगी ना, तो वो ये चाहेगा कि जल्दी से हो, और जल्दी से कौन सा होगा? SN2 होगा, तो वहाँ पे SN2 को प्रेफरेंस देना, ठीक है। सेकंड थिंग, हमें अगर इसकी रेट की बात करें तो बता चुका हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड RX, इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ से क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, एंड फोर्थ इज मॉलिकुलरिटी क्या होगी यहाँ से, व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ SN2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें देख लो रेट लॉ के अंदर कितने, टू, और मॉलिकुलरिटी भी टू, दो पे डिपेंड कर रहा है भैया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, सही है भाई। न्यूक्लियोफाइल जो होगा अटैक फ्रॉम द बैक साइड, लेकिन किसके बैक साइड पे कर रहा है, टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप। एक से ज्यादा कार्बन भी तो हो सकते हैं, लेकिन उस कार्बन के बैक साइड से अटैक करेगा जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गई? अगर मैंने बोल दिया बेटा ये है, इट इज 1 डिग्री हैलाइड भाई, ठीक है, तो कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, सीधी सी बात है इस कार्बन पे अटैक करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि लिविंग ग्रुप इसके पास है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे ओरिएंट करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ओरिएंट करेंगे फिर, और फिर अटैक करेगा इस साइड से, बैक साइड से। समझ में आएगी कहानी, ठीक है। सिक्स पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ कंप्लीट इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होगा, फ्लिप्ड होगा, बट क्या कॉन्फिगरेशन चेंज होगा वो जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना। देयर इज कंप्लीट स्टीरियो इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो या इन्वर्जन ऑफ, कैसे बोले इसको, देयर इज कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये लिख लो ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शन होगा, और इसी इन्वर्शन को क्या नाम दिया गया था, वाल्डन इन्वर्शन नाम दिया गया था, क्योंकि वाल्डन ने बताया था। कॉन्फिगरेशन की बात करें,
कॉन्फिगेशन मे और मे नॉट इन्वर्टेड या चेंज कुछ भी कह सकते हो. कॉन्फिगेशन हो भी सकती है चेंज, नहीं भी हो सकती चेंज, इसकी शॉर्ट नहीं है. बट हाँ इन्वर्ट जरूर होगा जी. ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए इफ द सबस्ट्रेट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन इट इज नेसेसरी वेदर द प्रोडक्ट इज लेवो. अगर मैं ये बात कहूं इफ द सबस्ट्रेट इज डीफॉर्म देन टेल मी वेदर इट इज नेसेसरी दैट आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज लेवो और डेक्स्ट्रो. प्रोडक्ट लेवो होगा, श्योर है. ऊपर लाइन पढ़ो, ये इन्वर्जन है, ये तो कॉन्फिगेशन है, ये तो कॉन्फिगेशन है. दैट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट इज लेवो. द प्रोडक्ट मे बी लेवो और मे बी डेक्स्ट्रो. देन द प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी लेवो फॉर्म. ये जरूरी नहीं है बेटा. डेक्स्ट्रो लेवो कॉन्फिगेशंस होते हैं, आर एस कॉन्फिगेशंस होते हैं, नॉमनक्लेचर्स होते हैं इनके, ठीक है. तो इतनी बातें तुम्हें पता है, नॉर्मल सी बातें. अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बात करते हैं. हो गया ना? हाँ जी. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर दिया हुआ है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं दे फेवर द एसएन टू मैकेनिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर दिया हुआ है फेवर्स द एसएन टू मैकेनिज्म. कौन से होते हैं पोलर अप्रोटिक? कौन से होते हैं बताओ, नाम बताओ. एग्जांपल एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. याद आया? दे आर टर्म्ड एज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. अगर ये दिया हुआ 110% एसएन2 मैकेनिज्म जाएगी क्योंकि ये फेवर करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एस एन टू मैकेनिज्म. मतलब एस एन टू होने के लिए आपको स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है. स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एस एन टू मैकेनिज्म. अब देखो यहां पे इस मैकेनिज्म में खास बात हुई. न्यूक्लियोफाइल आया तो लिविंग ग्रुप गया साइमल्टेनियसली. न्यूक्लियोफाइल आया तो लिविंग ग्रुप गया, वी कॉल इट साइमल्टेनियसली, ठीक है. एंड सच ए रिएक्शन जहाँ पे साइमल्टेनियसली होता है तो हम इसको कंसंट्रेटेड कंसर्न्ड रिएक्शन कहते हैं, कंसर्न्ड मैकेनिज्म कहते हैं. जहाँ पे क्या होता है, एक आता है दूसरा चला जाता है, साइमल्टेनियसली जाता है. तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप जाता है. दोनों काम एक साथ होते हैं, ये बात याद रखना. कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है, कॉल इज कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म. तो एक बहुत ही फैंसी वर्ड है कंसर्टेड. तो कंसर्टेड का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली होना. और इट बेटर न्यूक्लियोफाइल जो होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा आपका? फेवर करता मैकेनिज्म को. अब अगर मैं बोल दूं बेटा इन पोलर मीडियम और इन एसीटोन, मतलब इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर आपसे बोला जाए एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? बताइए बेटा विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल. आई थिंक हमने कल किया डिस्कस इस बात को. बताओ वाटर में कौन होने वाला है? वाटर में क्या किस्सा था? ऑलवेज थिंक ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, छोटा साइज ज्यादा सॉल्वेटेड. तो विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? हियर सॉल्वेटेड होगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? उसके चारों तरफ कौन गिर गया? वाटर डाइपोल्स आ गए हैं. तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडीन. बट
इन एसीटोन और इन डीएमएसओ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन होगा? दैट इज फ्लोरीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। बात हो चुकी है इस पर। अगर रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट की बेटा, तो हमारे पास CH3X है, ठीक है, RX है, ये इसको ऐसे मान लो, CCX है, CCX, CCCCX, साफ समझ गए होंगे आप? Which one is better? Which one has higher reactivity to give SN2 mechanism? SN2 mechanism ज़्यादा आसानी से कौन देगा? CH3X। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करेगा यहाँ पे, आने अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे मैटर करता है। तो आपको हमेशा थिंक किसके बारे में करना है? स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बात करनी है। वी ऑलवेज थिंक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस हियर। तो इसका मतलब 1 डिग्री, अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट विल फेवर्स 1 डिग्री हलाइड, 2 डिग्री हलाइड एंड 3 डिग्री हलाइड। दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर बनने वाला है। 3 डिग्री हलाइड जो होते हैं, देखो 1 डिग्री हलाइड जो होगा, जो CH3X होगा वो हमेशा SN2 देगा, इसके अलावा इसके पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री पे तो बात ही अलग है। 3 डिग्री हलाइड की अगर बात करेंगे, दे आर इनर्ट, वो इनर्ट है, स्टेबल है। क्यों इनर्ट है? क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। एंड अब इनर्ट किसके लिए हो? SN2 मैकेनिज्म के लिए। दे आर इनर्ट टू SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यह बात लिख सकते हो आप कि जो 3 डिग्री हलाइड्स होते हैं आर इनर्ट फॉर SN2 मैकेनिज्म। किस वजह से? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। वो स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए होता है। सो हम ये बात बोल सकते हैं कि स्मॉलर हलाइड्स या स्मॉलेस्ट सबस्ट्रेट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। तो ये बात बोली जा सकती है कि स्मॉलर सबस्ट्रेट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। बात समझ में आई? नोट डाउन फास्ट। नाउ सी डियर, सबसे पहली बात यहां बात करते हैं फर्स्ट वाले में। SN2 की ऑर्डर की बात हो रही है तो देख लो बेटा ये कौन सा जा रहा है। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, श्योर? कौन सा बेटा? यहाँ से जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 डिग्री है ना बेटा? सर 3 डिग्री, लेकिन इसको एक काम करो, हमें ये नहीं बताना कि 3 डिग्री वाला है, इसको HH बना लो और फिर इसको 1 डिग्री कर लो। पहले तो एक ऑर्डर वाइज क्वेश्चन ले लेते हैं। तो विच वन इज गिविंग SN2 फास्टर? सी जाएगा, उसके बाद ए जाएगा। अब इसमें बात करते हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि BR है तो फास्टर जाएगा, तो मेक श्योर कि आप इसको CL बना लो, अगर BR की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। यहाँ पे BR की वजह से एज सच कोई हलाइड चेंज हो जाता है पर्टिकुलर एटम्स में, जहाँ दो कंपैरिजन होते हैं तो ऑब्वियसली वो फास्टर करता है, लेकिन जो चीज़ बतानी है वो BR की रिस्पेक्ट में नहीं है, वो कुछ और चीज़ों पे बात हो रही है। तो इसको मैं CL ही बना रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। लेट्स सी इस वाले केस में क्या है बेटा, ये हलाइड कैसा है? 3 डिग्री है, 3 कार्बन से अटैच हो रहा है। यहाँ अगर बात करेंगे तो कौन सा है? 1 डिग्री, ठीक है, इट इज 1 डिग्री। यहाँ अगर बात करेंगे 2 डिग्री है, यहाँ अगर बात करेंगे 3 डिग्री है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जरा समझना इस बात को। एक बनाया हमने ये, ठीक है, एक बनाया हमने ये, और एक मैं बना रहा हूँ ये,
ठीक है। अब होता है क्या SN2 मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में होता है क्या, आपका लिविंग ग्रुप जाता है, न्यूक्लियोफाइल आता है। तो लिविंग ग्रुप जा रहा है, लिविंग ग्रुप गया, तो ये माना जा सकता है कि इस पर एक बार पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, लिविंग ग्रुप गया तो ठीक है। तो मतलब इसको सबको एक बार कार्बोकोटाइन समझ लें, समझ लेते हैं बेटा कार्बोकोटाइन, समझ लो सबको कार्बोकोटाइन। अगर स्टेबल कार्बोकोटाइन है तो SN2 जल्दी होगा, अगर अनस्टेबल कार्बोकोटाइन है तो SN2 नॉट पॉसिबल, सीधी सी बात। तो इनमें से स्टेबल कौन सा है बेटा, आप देखोगे कि दिस इज कॉल्ड एज अलाइल, ये अलाइल कार्बोकोटाइन हो गया, ये विनाइल है, ये फिनाइल है और ये बेंजाइल है। बेंजाइल में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, यहां पर भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, तो ये दोनों जो ग्रुप हैं दे कैन गिव SN2, तो SN2 पॉसिबल होगा इसमें क्योंकि स्टेबल है। जबकि इन दोनों की बात करूँ विनाइल और फिनाइल की, तो क्या ये स्टेबल है, देयर इज नो स्टेबिलिटी एट ऑल हियर। आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, तो फिर भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल क्रिएट हो गया सिचुएशन, यहाँ डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब इन दोनों ग्रुप में SN2 नॉट पॉसिबल, ये बात समझ में आ गई, SN2 नॉट पॉसिबल, क्लियर है। तो हम बोलेंगे कि विनाइल और फिनाइल जो होता है उसमें SN2 नहीं होता जनरली, और अलाइल जो और बेंजाइल होता है उसमें SN2 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जाने के बाद ये कार्बोकोटाइन ही शो करने वाले अपने आप को, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। हालांकि कंसेंट्रेटेड मैकेनिज्म है, मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो फिर भी एक स्टेप में बीच में मनाया जा सकता है ये चीज़ को। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर देखो 3 डिग्री हैलाइड है, लेकिन पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, स्टेरिकली हिंड्रेंस हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो आई थिंक SN2 मैकेनिज्म तो आसानी से नहीं हो सकता, मतलब इसमें नहीं होगा। चलो इसको ए को काट देते हैं, नहीं होने वाले। बी में बात करें, होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव जाने के बाद में वो एक क्या बन गया, विनाइल कार्बोकोटाइन बन गया, विच इज हाईली अनस्टेबल। तो क्या Cl यहां से इसको छोड़ के जाएगा, अरे छोड़ के जाता तो अनस्टेबल हो जाता है, स्पीसी टूट जाती है बेचारी, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है यहाँ पर, ये लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, और हमें चाहिए बेटर लिविंग ग्रुप, और बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये भी नहीं देगा भैया। इसकी बात करें बेटा, फिनाइल कार्बोकोटाइन बना देगा ये भैया, तो क्या ये भी होगा, नहीं हो सकता। तो ओनली पॉसिबल इन डी ग्रुप, समझ में आ गई बात, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ट्राई करें जरा, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये कैसा है बेटा, 3 डिग्री है, ये कैसा है, बेंजाइल है, बेंजाइल क्लोराइड, ये कैसा है, थ्री डिग्री है, ये कैसा है, विनाइल है। तो पहले एक बात बोल दूं, विनाइल नहीं देने वाला, और तीनों देंगे जी, और तीनों देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि विच विल नॉट गिव SN2 मैकेनिज्म, तो बहुत आसान था मेरे लिए। अब इन तीनों में ऑर्डर बताना है कि कौन फास्टर रेट से देगा। तो हम एक चीज़ बोलते हैं यहाँ पे, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये रेजोनेंस है, विच विल गिव इंटरमीडिएट, कौन बताया, कार्बोकोटाइन, 3 डिग्री कार्बोकोटाइन, और बेंजाइल कार्बोकोटाइन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो रेजोनेंस की धज्जियाँ उड़ गई ना यहाँ पर, तो 3 डिग्री वाला ही ज़्यादा देगा। अब 3 डिग्री वाले दो हैं बेटा, है। कौन सा देगा, SN2 वो देगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। उधर देखो पीछे बल्की बल्की ग्रुप लगे, वहाँ से अटैक करा, क्योंकि बैक साइड अटैक होना पॉसिबल मुश्किल होगा, तो आसानी से ये होगा। तो ए विल बी फेवर्ड, उसके बाद सी विल बी फेवर्ड, एंड उसके बाद बी विल फेवर्ड। क्या कहानी पल्ले पड़ी, कैसे सोचना है, कैसे एज्यूम करना है, ये बातें समझनी है। ऑल तो देखो यहाँ पे BR था, फास्टर रेट से देना चाहिए था, लेकिन बैक साइड न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा,
अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा होता विच विल नॉट गिव SN2, तो आपका आंसर आसान था, लेकिन पूछ लिया SN2 कौन सा देगा उसका ऑर्डर बताओ, तो मुश्किल हो गया। और लास्ट में जाके वो पटके का अगर ऑर्डर भी देना है तो मुझे, बट इट दैट्स ऑल अबाउट SN2।